नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। बहुत से माता पिता जन्म के प्रमाण पत्र से संबंधित हमसे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, तो हमने सोचा एक वीडियो के माध्यम से उन सभी सवालों का जवाब दें जो जन्म के प्रमाण पत्र से संबंधित है, यानी कि बर्थ डॉक्यूमेंट से संबंधित है। देखिए, जब आप दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS कैटेगरी और DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत अपने बच्चों का दाखिला करवाएंगे, तो एक डॉक्यूमेंट जो सभी को देना होगा वह होगा बच्चे का बर्थ डॉक्यूमेंट प्रूफ, यानी कि जन्म के प्रमाण पत्र। अब जन्म के प्रमाण पत्र की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास है चार विकल्प, यानी कि चार ऑप्शंस, जिनमें से कोई भी एक, याद रखिएगा, कोई भी एक का इस्तेमाल कर आप अपने बच्चों का दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवा सकते हैं। तो मैं आपको आज बताने जा रही हूं वह चार कागजात जिनमें से कोई एक का इस्तेमाल आप बच्चे के जन्म के प्रमाण पत्र के रूप में कर सकते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। जी हाँ, अगर आपके पास बच्चे के पैदा होने पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्युनिसिपैलिटी के द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट है, तो आप उसका इस्तेमाल बच्चे के EWS, DG या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब एक सवाल जो हमसे बार बार किया जाता है कि मैम, हमारे बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वह झारखंड का है, तो क्या हम उसका इस्तेमाल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए कर सकते हैं? हमारे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हिमाचल का है, तो क्या हम उसका इस्तेमाल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में कर सकते हैं? तो हमारा जवाब है जी हाँ। आपके बच्चे का बर्थ डॉक्यूमेंट या बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी राज्य का हो, चाहे वह झारखंड का है, हिमाचल प्रदेश का है, उत्तराखंड का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, ओडिशा का है, कहीं का भी है, आप उसका इस्तेमाल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के तहत जो कैटेगरीज है EWS, DG और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी, उसके तहत अपने बच्चों का दाखिला करवाने के लिए कर सकते हैं। अब दूसरा डॉक्यूमेंट या फिर दूसरा विकल्प है, वह है अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल के द्वारा जारी किया गया कोई भी कागजात। आपका बच्चा जब हॉस्पिटल में पैदा हुआ होगा तो हॉस्पिटल ने कोई ना कोई कागजात तो आपको दिया होगा, तो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है हॉस्पिटल के द्वारा जारी किया गया, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं बच्चे के जन्म के प्रमाण पत्र के रूप में। तीसरा विकल्प है आंगनवाड़ी के द्वारा जारी किया गया कोई भी कागजात। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों का दाखिला नर्सरी में करवाने से पहले बच्चों को कोई प्ले स्कूल भेजते हैं या आंगनवाड़ी भेजते हैं, ताकि बच्चे को बैठने की आदत हो जाए और वह जब स्कूल जाए तो वह बच्चा ज्यादा रोए ना, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं रोते हैं तो एक्चुअली बहुत दुख होता है। तो अगर आपका बच्चा आंगनवाड़ी गया था और आंगनवाड़ी के द्वारा कोई भी आपको कागजात जारी किया गया था जिस पर बच्चे के जन्म तिथि लिखी है, तो उसका इस्तेमाल भी आप बच्चे के जन्म के प्रमाण पत्र के रूप में कर सकते हैं। अगर आपके पास, मैंने जो तीन डॉक्यूमेंट बताए हैं, तीन कागजात बताए हैं, उनमें से कोई भी नहीं है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर आपके पास हॉस्पिटल के द्वारा जारी किए गए कागजात नहीं है, या फिर आपके पास आंगनवाड़ी के द्वारा जारी किए गए कागजात नहीं है, इन तीनों में से कोई भी नहीं है, तब भी आप चिंता मत करें, एक और कागजात है या फिर जिसे हम कहते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी कि लिखित घोषणा पत्र। माता पिता को लिखित में देना होगा कि हमारी याददाश्त के हिसाब से हमारा बच्चा इस तारीख, इस महीना, इस साल पैदा हुआ था, और हम जो यह तारीख बता रहे हैं, महीना बता रहे हैं, साल बता रहे हैं, आज के बाद से हम इसे बदलेंगे नहीं। तो अगर माता पिता अपने बच्चों की का जन्म की तिथि अपने हिसाब से बताएंगे, तो वह भी कंसिडर की जाएगी, उसे भी मान्य माना जाएगा, और माता पिता के द्वारा लिखित घोषणा पत्र भी बच्चों के बर्थ डॉक्यूमेंट यानी कि जन्म के प्रमाण पत्र के रूप में स्कूल्स के द्वारा लिया जाएगा। तो यह थे चार डॉक्यूमेंट्स, चार कागजात जिनमें से कोई एक, याद रखिएगा, कोई भी एक आप बच्चे के जन्म के प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक और बात बताना चाहूंगी, बहुत से लोग सोचते हैं
कि अगर हमारे पास अस्पताल के द्वारा जारी किया गया कागजात है तब भी स्कूल वाले हमारे पीछे ना पड़ जाएंगे कि हमें बर्थ सर्टिफिकेट दो। जी नहीं, जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म में एक खाना आएगा, एक कॉलम आएगा जिसमें जन्म के प्रमाण पत्र की जानकारी देनी होगी कि आपके पास जन्म का कौन सा प्रमाण पत्र है। ये चारों विकल्प आपके सामने आएंगे, तो जो भी विकल्प पे आप भरेंगे, जिस भी विकल्प पे आप टिक करेंगे, वही विकल्प आपको स्कूल में देना होगा। उसके अलावा स्कूल वाले दूसरा विकल्प आपसे नहीं मांगेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने अपने द्वारा बताया गया विकल्प नहीं दिया और आपने खुद दूसरा विकल्प दिया, तो स्कूल वालों को इसकी फ्रीडम होगी, इसकी आजादी होगी कि आपके बच्चे का कंप्यूटराइज ड्रॉ में नाम भी आया इसके बावजूद भी वह आपके बच्चे को दाखिला नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास यह स्वतंत्रता है कि जो कागजात फॉर्म में भरे गए हैं और वह माता पिता स्कूल में दाखिले के समय नहीं देते हैं तो स्कूल बच्चों को दाखिला देने से मना कर सकता है। तो याद रखिएगा, जो कागजात आप फॉर्म में भरेंगे वह कागजात आपके पास होने चाहिए और वही आप स्कूल में दें। स्कूल वाले इसके अलावा कोई कागजात नहीं मांगेंगे। आपके द्वारा दी गई फॉर्म में जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपके द्वारा दी गई फॉर्म में जानकारी अगर अलग है और स्कूल के कागजात में जो आप देंगे वह जानकारी अलग है, तो स्कूल आपके बच्चों को दाखिला देने से मना कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी वीडियोस को आखिरी तक देखिए, क्योंकि हर वीडियो में कोई ना कोई टिप देने की कोशिश करती हूँ, छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे पॉइंट्स बताने की कोशिश करती हूँ, जिनकी मदद से आपको अभी जानकारी होने लग जाए कि किस प्रकार से आप सही फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ आप सभी से ये सपोर्ट मांगती हूँ, आप सभी से हेल्प मांगती हूँ, सहायता मांगती हूँ कि आपको वीडियोस में जो हम जानकारी देते हैं वे इकट्ठा करने में, वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारी सहायता करिए। आप अपनी फेसबुक वॉल पर हमारी वीडियोस भी पोस्ट करिए और व्हाट्सएप के थ्रू से अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को सेंड करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग राइट टू एजुकेशन का लाभ उठा सके। और एक अपील करना चाहते हैं उन सभी लोगों से जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, कि यदि आपके आसपास में बच्चे हैं जो EWS कैटेगरी में आते हैं, या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी में आते हैं, या फिर DG कैटेगरी में आते हैं और उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, तो उन्हें इसकी जानकारी दीजिए। आपके द्वारा की गई एक बहुत छोटी सी मदद इन बच्चों की जिंदगी बदल सकती है, माता पिता की दुनिया बदल सकती है। आपको दुआएं तो मिलेंगी ही, लेकिन आपको अंदर ही अंदर मन में इतना अच्छा लगेगा, इतना ज्यादा अच्छा लगेगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ की इजाजत दीजिए। नमस्कार।